जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। लास्ट टाइम भी वीडियो दिया था भाई गैजेट्स के ऊपर। मैंने डिसाइड किया था गैजेट आप बताओगे, वीडियो मैं दूंगा। उसके लिए गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ था डिस्क्रिप्शन में वीडियो के। 4,500 से ज्यादा हमने जो ओपन किया, मगर 4,500 भाई साहब, इतने सजेशन। ये सिर्फ एक वीडियो के लिंक से था, मतलब आपने तो 2-4 साल का मेरे को कंटेंट सजेशन दे दिया। सिर्फ गैजेट वाली वीडियो में लिंक होता है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होगा। एंड डेफिनेटली लिस्ट बहुत लंबी है, तो अगर आपका गैजेट ना है तो प्लीज नाराज मत होना। देखो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, और मेरा तो वीडियो बनी रही, डेफिनेटली व्यूज मेरे को आएंगे, लेकिन हाँ आपके काम के लिए ही ये सीरीज शुरू की गई है। सबसे पहला एक्चुअल में ये ना, ये आता है रेड इन ग्रे ब्रांड का है ये। वैसे इसका प्राइस है 1399। टीवी के रिमोट आते हैं ना, उसमें आपको ही पता कीबोर्ड टाइपिंग तो कर नहीं सकते। इसमें एक ऑप्शन है माइक्रो यूएसबी केबल, और ये वाले केबल से चार्ज हो जाएगा ये। रिसीवर दिखने में यार प्रीमियम सा लगता है, लेकिन ये शाइनी पार्ट है ना, तो स्क्रैच वगैरह पड़ सकते हैं। और कीबोर्ड कहाँ है, बिल्कुल पीछे की तरफ, और काफी सॉफ्ट सी बटन है इसकी। और यहाँ पर इसके मेजर फीचर हाईलाइट है, अगर आप चाहें तो वीडियो को रोक के पढ़ लेना। लेकिन इसके साथ एक दिक्कत होगी, मैं दिखाता हूँ। ये सैमसंग की टीवी है, इसके अंदर आपको पता है टाइजन ओएस आता है, और उसके अंदर जब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, ये ऊपर नीचे तो होता है, कोई दिक्कत नहीं, मस्त है। लेकिन इसके अंदर जो फ्लाई एयर माउस वाला फीचर है ना, वो नहीं काम करता। और इसके अंदर कीबोर्ड से जब टाइपिंग करो, वो भी नहीं काम करता, नॉट वर्किंग करके शो करता है। अब पहले तो मुझे लगा भाई ये खराब है। अब मेरे पास एंड्रॉइड टीवी नहीं थी, तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे OTG में कनेक्ट करके फोन में कनेक्ट कर दिया। और फोन में कनेक्ट करने के बाद देखो, एकदम मस्त एयर माउस काम कर रहा है। वॉल्यूम बटन, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, या फिर इंटरनेट पेज पे देखो, ये अप डाउन करना पेज को, और एंड्रॉइड के सारे जेस्चर काम करते हैं। ये रीसेंट ऐप भी आ गया देखो, तो ये मस्त ऐसे टाइप भी करता है, इसके अंदर कोई दिक्कत ही नहीं है। अब काम तो कर रहा था, तो मैंने सोचा फिर थोड़ा सा ऐसे मेंटोस खाना पड़ा, क्रोमा स्टोर चला गया मैं वहाँ जाके। यार टीवी वगैरह रखते हैं ना लोग, मैंने कहा भैया मुझे ना टीवी खरीदना क्रिसमस पे, लेकिन पहले दिखाओ उसमें रिमोट चलना चाहिए, करना पड़ता है कई बार, टीवी थोड़ी खरीदता मैं इसे टेस्ट करने के लिए। और एंड्रॉइड टीवी के साथ इसमें भाई टाइपिंग, वॉल्यूम बटन, बैक, होम, जितनी बटन है सारी काम कर रही थी। यानी कि एंड्रॉइड टीवी में काम करेगा, सैमसंग की टीवी में काम नहीं करेगा, क्योंकि टाइजन ओएस है। और वहाँ पर LG की टीवी आती है ना, कौन सा ओएस होता है उसमें भी कुछ, तो सीधी सी बात है भाई एंड्रॉइड टीवी में काम करेगा, बाकी ओएस के साथ काम नहीं करता। और अगर कोई टीवी मैन्युफैक्चरर ये वीडियो देख रहा है मेरी तरफ से, सीखो कुछ, कितना आसान है सीखना 1300 रुपये में। और प्लीज़ यार फीडबैक देना, अगर मैं वीडियो में एक्सप्लेनेशन वगैरह कम कर पाऊँ, तो मैं ये सीरीज नई शुरू कर रहा हूँ ना, तो दो चीज़ों का वेट करूंगा। एक तो अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और सजेशन दे देना। सो फर्स्ट प्रोडक्ट पास होता है। सेकंड का नंबर होक्स नहीं, ये इस कंपनी का नाम है। 144 रुपीज फ्लिपकार्ट पे मिलता है ब्लूटूथ हेडसेट विद माइक, जैसे नेकबैंड का कॉपी टाइप बनाने की कोशिश की गई है। 150 रुपये का आया, तो उसमें क्या ही क्वालिटी आप देखोगे, बहुत ही अंदर का सारा सामान दिख रहा है यहाँ से कटआउट से। ये देखो ये ऑन भी नहीं हुआ, सो इसको हम लोग चार्जिंग पे भी लगा सकते हैं, माइक्रो यूएसबी केबल है, ऐसा ही है ये। सो इन सब चीज़ों से आप दूर रहिए, अगर चल भी गए 10-15 दिन तो आप क्या ही करोगे, आपके कानों को नुकसान करेगा ये। और अगर कान नहीं रहेंगे तो फिर मेरी वीडियो में आवाज़ कैसे सुनोगे, ये क्या लॉजिक था। सो प्लीज़ इनसे बचिए। उसके बाद ये वाला मैंने ऑर्डर किया था भाई सजेशन से, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है, सिक्योर की, और इसका प्राइस है 1899 रुपीज़, यानी कि 1900 रुपये। USB फिंगरप्रिंट स्कैनर, ये वहाँ काम आ जाएगा, जैसे PC वगैरह में फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं होता ना। और ये है छोटा सा USB A वाला है, ये पीछे की तरफ फिंगरप्रिंट स्कैनर की पोजीशन है, चेक करते हैं। तो इसको मैं टेस्ट कर चुका हूँ, दिखाता हूँ। तो ये जैसे मेरा PC है, यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे मैंने टच किया, और ये अनलॉक, और बहुत बढ़िया काम करता है, 0.5 सेकंड लेता है, एक बार भी फेल तो नहीं हुआ अभी तक, मैंने 15-20 बार टेस्ट किया अच्छे से। फर्स्ट टाइम इसको यहाँ लगाना है, आप बस सिक्योर आई लिखना गूगल पे जाके, ये पहली वेबसाइट आ जाएगी इनकी। यहाँ से आप ना इसका ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हो सॉफ्टवेयर चलाने के लिए, तो ये इसका सॉफ्टवेयर है। हालांकि इसमें ना ऑप्शन दिखाता भाई पासवर्ड मैनेजर या फोल्डर पे भी शायद आप सेट कर सकते हो पासवर्ड पर्टिकुलर, बट कुछ भी ओपन करो ना ये मैसेज दिखाता है, कैन नॉट फाइंड फिंगरप्रिंट डोंगल, जबकि लगा भी दिया फिर भी दिक्कत है। लेकिन इसको अगर बंद कर दें तो आप फिंगरप्रिंट स्कैनर सेट कर सकते हो, और ये विंडोज़ 10 तक सपोर्ट करता है भाई अभी की डेट में। वैसे विंडोज 11 आएगा तो क्या होगा, इस पे विंडोज 11 लिख देंगे ये लोग, बट हाँ अभी आप विंडोज 10 मान के चलिए। लेकिन मैं फिर भी दिखाता हूँ आपको कि कैसे ये काम करता है। साइन इन वाले ऑप्शन में जाना है आपको, ये रहा ऑप्शन आता है ना विंडोज हेलो, जैसे फोन में करते हैं इस तरीके से पूरा रीड कर लेगा, एंड डन। और मल्टीपल फिंगरप्रिंट आप ऐड कर सकते हो। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर मेरा PC लॉक है, उस कंडीशन में इसको कोई बाहर निकाल देगा, फिर आप अपना पासवर्ड यहाँ पे डालिए। तो बस ये है, अगर आप चाहें तो काम करता है भाई परफेक्टली ये। वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे दूंगा मैं, ज़्यादा डिटेल वहाँ से चेक कर लेना। इसको बोलते हैं USB माइक्रोस्कोप, प्राइस इसका 900 रुपये, 900 रुपीज़। इसके अंदर ये सब मिलता है भाई, एक ये मैंने पहली बार देखा है रियल लाइफ में। इसको अगर क्लोज करेंगे तो ये बन जाएगा नॉर्मल USB A पोर्ट, इसको ऊपर करेंगे तो ये बन जाएगा
माइक्रो यूएसबी अलग से इसको कनेक्ट करेंगे तो टाइप सी बन गया। तो फ़ोन में, पीसी में, सभी में लग जाता है। लेकिन इसके साथ ना ये सब मिला हुआ है, मुझे नहीं पता इसका प्रॉपर क्लीनिंग में किस तरीके से यूज़ करते हैं। इसके लिए हो सकता है आप इस प्रोडक्ट की यूट्यूब पे कुछ वीडियो देखना शायद मिल जाए, या जैसे भी है मैं इसको दिखाता हूँ कैसे काम करता है। ये भाई बहुत ही बुरा चीज़ें दिखा देता है। इसके लिए आपको ना इन स्कैम करके जो भी नाम है ये सॉफ्टवेयर चाहिए। यहाँ से मैंने इसको कनेक्ट कर देना, बस ये लाइट जलेगी इसके आगे। ये बिल्कुल पेन जैसी शेप का है और इस पर ना एक सेफ्टी टिप टाइप लगी, इसको मैं निकालता हूँ पहले। और इसकी लाइट को मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ, जहाँ भी ये पहुँच सके वहाँ पर पहुँचाना है। और इस सॉफ्टवेयर में यहाँ से आप वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो, फोटो भी क्लिक कर सकते हो। 0.3 मेगापिक्सल का कैमरा है बेसिक सा। अंदर ना आए बाल बूल दिखेंगे, कान में होता है क्या ही बताऊँ। तो देखो भाई अब ये पार्ट वाइज स्किप कर सकते हो आप लोग, देखो थोड़ी देर के लिए मैं टाइम स्टैम्प लिख दूंगा क्योंकि कान के अंदर तो क्या ही दिखेगा। और मैं इसको अब कान में ऐसे डालूंगा, भाई मैं इतना ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ बायोलॉजी का, लेकिन कान का पर्दा इसे ही बोलते हैं जहाँ पे साउंड वाइब्रेट करके आपको सुनाई देता है, तो कुछ ऐसा सा दिखता है भाई कान के अंदर। मेरे कान वैसे साफ है भाई, ये देखो ये लाइट की इंटेंसिटी काफ़ी सही है, बिल्कुल अंधेरे में जाओगे तो पता लगेगा। गमले में छोटे छोटे पत्थर रखे हैं ना शेप में, तो देख रहे हो ये सारी चीज़ें इस तरह से देख सकते हो आप। अब एक दो प्रैक्टिकल यूज तो है इसके, अब मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि कोई बच्चा हो आपके घर में या आप थोड़ा सा कान के अंदर डाल के रिस्क ले, लेकिन जैसे मुंह में छाले पड़े हुए आपको देखना है तो इस तरह से आप छोटे मोटे चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगा घर में छोटे बच्चों को मत देना। ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लगा। फिफ्थ है ज़ेब्रोनिक्स का ये गेम पैड, इसकी प्राइसिंग है भाई 1400 रुपये। ये एकदम नया प्रोडक्ट आया हुआ है ज़ेब्रोनिक्स की तरफ से। 2.4 GHz वाईफाई के साथ आता है, USB रिसीवर है, टर्बो मोड है, 17 बटन्स है, 10 मीटर रेंज और टाइप सी चार्जिंग। 2.4 GHz का ये वाईफाई रिसीवर है और ये कनेक्टर है टाइप सी टू, मतलब टाइप ए इसमें कनेक्ट करना हो। ये गेम पैड मैंने टेस्ट किया, कल हमने गेम खेला तो इस समय हमारा ना ये एपिक गेम ऑनलाइन फेल आ रहा है, तो मैं बस आपको समझाने के लिए कल से मैं टेस्ट कर रहा हूँ, वैसे ऐसे ट्रेनिंग मोड प्ले कर दे रहा हूँ। अब ये जिसके अंदर वाइब्रेशन मोटर है लेकिन वो सभी गेम के लिए ऑप्टिमाइज नहीं, जैसे इस गेम में वाइब्रेशन नहीं करता जब हिट करो, लेकिन GTA में करता है, तो वाइब्रेशन फीडबैक थोड़ा डिले करके आता है, इंस्टेंट नहीं आता, पहली कमी। अब ये वाले जो बटन है ना स्क्वीज वाला नहीं है, जैसे आप प्रेस करोगे ना एकदम से ये फायर कर जाएगा। तो अगर मान लो ऐसी गेम खेल रहे हो जहाँ तीर मारना है, मतलब हल्का सा प्रेस करोगे तो फायर हो जाएगा। अब देखो भाई ये पूरा प्लास्टिक का बना, अलग से आपको डिजाइन जो दिख रहा है ये भी सब प्लास्टिक है, कोई सॉफ्ट फिनिश नहीं है इसके अंदर। इनका रिस्पांस मुझे प्राइस के हिसाब से अच्छा लगा, अगर ये 1200 के आसपास होता तो थोड़ा सा मैं डिफरेंस दिखाता। जैसे ये 1700 का है कॉस्मिक बाइट, इसके अंदर लाइट वगैरह भी है भाई, उसका डिजाइन ज़्यादा प्रीमियम लगता है और प्राइस डिफरेंस है सिर्फ 300 रुपये, तो ज़्यादा है ना। ये गेम कंट्रोलर तो वैनम की वीडियो देख लेना आप, इसके लिए बेटर आइडिया लग जाएगा आपको। सो ये वाला मैं बेकार नहीं कहूँगा, बट पैसा थोड़ा सा इन्वेस्ट करो, बेटर बाय करो 1400-1700, याद है ना। उसके बाद हमारे पास ये है भाई एक लाइटनिंग मैग्नेटिक केबल, माइक्रो केबल, टाइप सी केबल, जो मर्जी बोल लो आप। प्राइस है 225 रुपीज़, 225 रुपये। तो ये है टाइप सी वाला कनेक्टर, ये एप्पल वाला लाइटनिंग और ये माइक्रो USB वाला। इन दोनों मैग्नेटों काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ओहो पूरा आईफोन टंग गया, वो गिर गया। अच्छा हुआ नीचे मैट लगा था, और ये सीधा सीधा काम करता है, अगर जरा से भी टेढ़ा हुआ तो ऐसे निकल जाएगा। इसके अंदर इन्होंने ना ऐसे तो लिख रखा है कि ये फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। वैसे तो सही बताऊँ इसको टेस्ट करने के लिए ये वाला डिवाइस मंगाया था मैंने, तो यहाँ से USB कनेक्ट हो जाती है तो इसके अंदर दिखाता है कितना करंट पास हो रहा है, बट ये सबका एक ही दिखा रहा है, कुछ भी लगा रहा हूँ फास्ट चार्जर नॉर्मल चार्जर चूना लगा दिया। लेकिन मेरे पास एक तरीका था, जैसे मेरे पास 33 वोल्ट का चार्जर है, इसमें मैंने Xiaomi का ही ओरिजिनल डाटा केबल लगाया तो फोन का चार्जिंग टाइम 1 घंटे से भी कम दिखा रहा है, राइट। लेकिन उसके बाद मैंने इसके केबल को लगाया, ये जो मैग्नेटिक, ये लगाते टाइम कितना ज्यादा बढ़ गया, तो कहां ये फास्ट चार्जिंग वाला हुआ, ये तो नॉर्मल सा हुआ ना। PC कनेक्ट हो जाएगा मतलब डाटा ट्रांसफर करना हो, तो फोन को डिटेक्ट नहीं किया इसने, तो क्या ही फायदा, बस इसके अंदर ये लाइट देखेंगे हम लोग कि हाँ भाई लाइट जलती है। कितना पैसा बर्बाद हुआ, 180 रुपये पैसा बर्बाद, आप इसको मत बाय करिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है बट हाँ काफ़ी लोग डे टू डे लाइफ में ये मतलब अट्रैक्ट हो सकते हैं, मुझे भी पूछा गया था। 3 USB चार्जिंग पोर्ट, 2.1 एम्पियर फास्ट चार्ज भी सपोर्ट करता है, मोबाइल होल्डर और 3 पावर सॉकेट। ये पोर्ट्रोनिक्स की तरफ से एक एक्सटेंशन बोर्ड बोल सकते हो, बट वायर इसमें आपको पहले से ही बाहर मिलेगा। इसका प्राइस है 750 रुपये, 749 रुपीज़। तो ये इसका पावर बटन ऑन कर दिया मैंने, अब मेरा ये डिवाइस काम नहीं कर रहा, नहीं तो मैं आपको एग्जैक्ट नंबर दिखाता बट दिखाता हूँ आपको बिल्कुल पता लग जाएगा। जैसे 33 वोल्ट में मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ नॉर्मल, उसके बाद 1 आवर चार्जिंग में लगेगा, वो फास्ट चार्जिंग शो कर रहा है। इसका USB लगा के
टाइम दिखा रहा है, देखो 1 आवर फुल चार्ज और फास्ट चार्जिंग शो कर रहा है, और ये तीनों में आप लगाओगे शो करेगा, यानी कि ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। और आपका फोन स्लो चार्जिंग वाला होगा तो स्लो चार्ज होने लग जाएगा। लेकिन अगर आप सोचो एक फोन फिर दूसरा भी लगा देते हैं, मतलब एक से ज्यादा, तब ये नॉर्मल चार्ज करता है, फास्ट चार्ज नहीं करेगा, टाइम बढ़ जाएगा। दिखा भी देता हूँ अंदर क्या है, मैं भी देख लेता हूँ। तेरा छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इस तरीके का एक सर्किट दिया हुआ अलग से, ऐसे नहीं टाइम पास के लिए लगा दिया। तो मैं ये नहीं कहूँगा भाई डेली सिर्फ इसी से फ़ोन चार्ज करो, बट ये काम कर रहा है और ये चाहे तो आप बाय कर सकते हैं, आपके काम आ जाएगा। सबसे बेस्ट कौन सा लगा आपको कमेंट करके बताना। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।